ले लो सिर्फ ये दोनों बैग और ये वाला सामान, ये भी ले लेना, ये जो पेपर है। नहीं दीजिए भाई साहब, ये 60 किलोमीटर है, 2-3 किलोमीटर पड़ते हैं। 100 150 पड़ते हैं। हमरा तुम जरा खेल 150 पड़ते हैं। हां 150 जास्त ना, इतना लेकर बाद शॉर्टकट पड़ते हैं। अरे मामीला लागत असतात, त्याच्या काशी गळत असते। ए इकडे ये रे, ए टाइमपास नको करू, जय जय कर। चला बाय 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 पप्पा, आपकी हेयर कट दिखाओ। हेयर कट करा के लाइए अद्विक की, हम लोगों ने वहां से मतलब ससुराल गए थे तो ससुराल से हेयर कट करा के लाइए। दिखाओ दिखाओ, इस बार बहुत सिंपल सी हेयर कट की है लेकिन आप लोगों ने, अच्छी नहीं लगी मुझे। दिखाओ, मेरे बाल छोटे हैं इसीलिए। हाँ। मुझे नहीं अच्छा लगा ये, मुझे अच्छी नहीं लगी लेकिन ये यहाँ पर पार्सल आके, और यहाँ पर सारे मेरे पार्सल है, ये अभी ओपन करेंगे क्योंकि जब हम लोग गए थे उसी टाइम ये आ गए थे और आप लोगों से शेयर ही करना नहीं हुआ, तो ये मैं बाद में आपके साथ शेयर करती रहूँगी थोड़े 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 करके। बट इतने सारे आके मतलब यहाँ पर रख दिए हमने और इसको ओपन भी नहीं किया था, हम लोग चले गए थे वहाँ पर शादी में तो इसे ओपन भी नहीं किया था। अभी ओपन करके देखते हैं कि कैसा आया। और ये सारे होम डेकोर के लिए ऑर्डर किए थे, अभी लगाना पड़ेगा मुझे, अच्छे से सेट करना पड़ेगा ये, और ये पूरे वायरिंग वगैरह सब कुछ ऐसा कैसा ही है। हम लोगों ने उनको बुलाया भी नहीं था, हम लोग वैसे ही चले गए थे तो ये भी नहीं लगाया था, ये ड्रॉर्स भी नहीं लगाए थे, ये उधर लगाने बाकी है। मतलब ये जो ऊपर के ड्रॉर्स है जो आपको दिख रहे हैं, ये ऊपर के ड्रॉर्स, ये भी लगाना बाकी है इसमें अपने बेडरूम में, और बाकी कुछ भी नहीं लगाया तो ये सब कुछ लगाना बाकी है। और यहाँ पर ग्लास लगेगा, वो भी लगेगा बाद में। यार काफ़ी सारा काम है यार, घर पे आते ही मुझे काम ही काम दिख रहा है, तो चलो इसे ओपन करती हूँ पहले, एक एक करके दिखाती रहूँगी आपको, बट इसे ओपन करती हूँ पहले। और यहाँ पर ये फ्रेम लाई थी इन्होंने शिवाजी महाराज की, ये भी लगानी है। ये भी मतलब मैं वहाँ पर थी, ये आ गए थे ना जब मैं उधर गई थी, मतलब जब 2 दिन के लिए आई थी और उसके बाद मैं वहाँ पर गई थी तब ये फ्रेम लाई थी उन्होंने, तब ये लाके वैसे ही रख दी है।
इनकी ड्यूटी थी तो यहाँ से ये फ्रेम लाके वैसे रखी है, तो ये भी लगानी है। यहाँ पर सारे मेरे पार्सल ही है, ये सारा। अभी हम लोग ना भाई की शादी की सीढ़ी देख रहे थे, मतलब अभी जो शादी हुई है उसकी सीढ़ी देख रहे थे, तो यहाँ पर ही पड़ा है लैपटॉप वगैरह। माही को देखो, माही नए नए टेबल पे स्टडी कर रही है अभी। कैसा लग रहा है माही आपको? कंफर्टेबल लग रहा है ना? माही ना बेड पे स्टडी करती थी तो ऐसे झुक के उसको लिखना पड़ता था, इसी वजह से मैंने ये टेबल ऑर्डर कर दिए थे उसके लिए। उसको अभी ना टेबल की वजह से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, मतलब लिख भी पा रही है अच्छे से, और उसका मतलब यहाँ पर ही ऑनलाइन क्लासेस भी ले रही है वो। बेड पर लेती है, बेड पर भी ऐसे टेबल रख देती है, और ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए उसको प्रॉब्लम नहीं होता है, और लिखने पे भी प्रॉब्लम नहीं होता है, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है उसे अभी। और ये दोनों ऑर्डर कर दिए थे मैंने एक्चुअली, अगर इसके लिए कुछ ऑर्डर करूँ ना तो अद्विक को भी चाहिए ही, तो इस वजह से दो ऑर्डर कर दिए थे। और दो मैंने सेम नहीं ऑर्डर किए, कभी ये यूज़ कर सकती है ये वाला, कभी वो ये वाला यूज़ कर सकता है, तो इसी वजह से मैंने ये दोनों। और आप बेड पे बैठ के खाना वगैरह भी खाते हो तो इस पे आप खा सकते हो, जैसे कि बहुत लोगों को आदत होती है बेड पे ही खाना खाने की, तो इस पे ही खा सकते हो आप, मतलब बेड गंदा नहीं होगा आपका। और ये वाला तो स्टडी के लिए बहुत अच्छा है, मतलब दोनों भी अच्छे हैं। अगर इस पे ज़्यादा बुक्स आते हैं, इस पे थोड़े कम आएंगे। ये वुडन का है और इसमें ग्लास वास रखने के लिए भी दिया है, मतलब एंटी स्किप वाला है ये। यहाँ पर ग्लास वगैरह रखेंगे तो ये ग्लास यहाँ से हिलेगा नहीं, और उसके बाद ये यहाँ पर बड़ा भी कर सकते हैं। इसे दिखाओ माही एक मिनट, इसे आप बड़ा भी कर सकते हो। हाँ, इसको ऐसे घुमाओगे तो इसका थोड़ा सा हाइट बढ़ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर वो दिखाओ निकाल के उधर का, मतलब ये इसमें मैंने अपनी मेडिसिन रखी है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो यहाँ पर मेडिसिन लाई थी तो वो इसमें ही रख दी थी। तो ये वाला ना, ये देखो ये वाला, इसमें आप पेंसिल वगैरह भी रख सकते हो, पेन वगैरह भी रख सकते हो, कोई भी चीज़ जो काम की है वो रख सकते हो आप इसमें। और ये जो है ना, ये आप देख रहे हो, इस यहाँ पर बुक्स वगैरह रख के, कैसे दिखाओ मुझे थोड़ा सा इसका डेमो दे दो आप। हाँ, इसको ओपन करना है। हाँ, इससे आपको हाइट एडजस्ट कर सकते हो इसमें। अच्छा, और बुक कैसे रख सकते हो? हाँ, और वैसे आप लिख पाओगे अच्छे से, मतलब बिना झुके, है ना? और बुक्स भी नीचे नहीं गिर सकते, इसे स्लाइड में। अच्छा अच्छा, और उसके बाद और क्या फैसिलिटीज है इसमें? अच्छा, और क्लोज करने के लिए ये है ना? हाँ, यहाँ पर ये दिया है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये भी और ये भी, क्योंकि ये प्लेन है और इसमें अगर आप ज़्यादा बुक्स वगैरह रख सकते हो और अच्छे से स्टडी कर सकते हो, लिख भी सकते हो अच्छे से, यहाँ पर भी आप अच्छे से लिख सकते हो, तो इसी वजह से मैंने दो वैरायटी के ऑर्डर किए थे ताकि इन दोनों को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि माही अभी ये दोनों टेबल लेके बैठ जाती है, इस पे बुक्स रखती है, कभी लिखना हो तो ऐसे थोड़ा सा गर्दन वगैरह दर्द करे तो ये वाला टेबल यूज़ करती है, और नहीं तो फिर ये वाला टेबल यूज़ करती है। तो काफ़ी आसान हो गया है माही के लिए ये अब, तो अद्विक के लिए भी बहुत अच्छा हो गया है। दोनों के झगड़े भी नहीं होंगे, है ना माही? क्योंकि कैसा है कि एक को अगर कुछ लेके दिया तो मेरे घर पे दूसरे को भी चाहिए ही, सबके घर का ऐसे ही होगा, तो इसी वजह से मैंने दो वैरायटी के ऑर्डर कर दिए थे। और बहुत अच्छा है ये, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। ये देखो, ये दिखाओ एक मिनट, ये देखो, ये यहाँ पर ये वुड का, मतलब प्लाई का ऊपर का है, और नीचे ये फोल्ड भी हो सकता है, आराम से आप कहीं पर भी रख सकते हो इसे। हाँ, यहाँ पर रबर का है तो इसी वजह से ये स्लिप भी नहीं होगा, और इसे आप फोल्ड कर दोगे तो ये ज़्यादा जगह भी नहीं लेगा, देखो, तो इसकी वजह से आप कहीं पर भी इसे रख सकते हो। और ये भी है ना, ये भी वैसे ही होगा, तो इसकी इस तरह से अगर आप साइज छोटी करके रखते हो तो आराम से इसे रख सकते हो आप। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे बेडरूम में पूरा मतलब सामान ही सामान है, जहाँ देखो वहाँ सामान है। अनपैकिंग शुरू कर दी है मैंने, अनपैकिंग की वजह से ये सारा सामान अभी सेट करना है वार्डरूम में, और इसके लिए मुझे हेल्प कर रही है माही। माही अभी थोड़ा सा मुझे हेल्प करेगी, उससे मैं क्या करूँगी कि ये सारा सामान वार्डरूम में सेट कर दूँगी, क्योंकि इतना सारा मैं सामान लेके गई थी। आपने अगर ब्लॉग नहीं देखा है तो आप वो ब्लॉग देखना,
मतलब कितनी सारी सूटकेस और ये सारी चीज़ें हो गई थी, मेरे बैग्स कितनी सारी हो गई थी और ये फट भी गया है, ध्यान नहीं देना हुआ वहाँ पे। तो ये मेरी शादी की साड़ी है, मतलब जो मैंने शादी में पहनी थी और काफ़ी लोगों को पसंद आई थी यार ये साड़ी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अभी मैं इसे अच्छे से पैक करके रखूँगी तो इस वाले ऑर्गेनाइज़र में, और ये ना यहाँ से दिखता है जैसे कि ट्रांसपेरेंट है, तो यहाँ पर दिखेगा कि आपको कौन सा क्या चीज़ कहाँ पर रखी है आपने। तो ये वाली साड़ी मैं इसमें पैक करके रखूँगी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें रखनी है मुझे। और ये वाले ऑर्गेनाइज़र भी मैंने अभी ऑनलाइन ही परचेस किए थे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मुझे रिसीव हुए हैं। यहाँ पर जिप है, तो ये जिप ओपन करके आप इसमें सब कुछ रख सकते हो और साड़ियाँ इसमें आ जाती है यार, मतलब मुझे यकीन भी नहीं हुआ था कि इतनी सारी साड़ियाँ आ गई है मेरी। एक इसमें ही काफ़ी सारी साड़ियाँ आ गई थी, आपको मैं आगे दिखा दूँगी कि क्या क्या मैं रखने वाली हूँ इसमें। अभी मैं ये वाली साड़ी रखने वाली हूँ इसमें, और बाकी की जो भी साड़ियाँ मेरी नई हैं, मतलब जो मैं अभी शादी के लिए लेके गई थी, वो सारी साड़ियाँ मैं इसमें रखने वाली हूँ। और आप लोग पूछ रहे थे कि शादी की शॉपिंग कहाँ से की है, क्या की है, मतलब कैसे कैसे है, तो ये वाली साड़ी काफ़ी लोगों को पसंद आई थी और इसका नाम काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो इसका नाम है कांचीपुरम साड़ी। ये साउथ इंडियन साड़ी है, कांचीपुरम साड़ी है। और उसके बाद इसकी प्राइस भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो ये मैंने 6,500 की ली थी, यहाँ से ही लोकल मार्केट से ली थी, और कुछ मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, कुछ मैंने ऑफलाइन शॉपिंग की थी। तो ये वाली साड़ी मैंने भाई के एंगेजमेंट में पहनी थी और वो शादी में पहनी थी, तो ये वाली एंगेजमेंट की साड़ी भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और ये साड़ी मैंने ऑनलाइन ली थी, काफ़ी लोगों को लिंक भी दिया था मैंने एंगेजमेंट वाले ब्लॉग में इसका, तो आप लोग परचेस कर लेना। अगर एंगेजमेंट वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो एंगेजमेंट वाला ब्लॉग भी देख लेना, काफ़ी अच्छा लगने वाला है आपको। और हाँ, ये इसके नीचे भी जो साड़ी है मैंने आपको नहीं दिखाई, वो भी मैंने ऑनलाइन ही परचेस की थी, कभी दिखा दूंगी। तो इसमें अभी सेट करने वाली हूँ, और अभी ये वाली जो साड़ी है ये भी मैंने एक वीडियो में पहनी थी, मतलब वो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही ली है, तो इसका भी लिंक मैं दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, ये जो ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया है वो भी ऑनलाइन ही लिए हैं, और इसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब स्पेस मिल गई है अपने वार्डरोब में। इसे आप देख लो, इतने से ऑर्गेनाइज़र में इतनी सारी साड़ियाँ आ गई है मेरी, आपको मैं दिखा दूँगी कितनी साड़ी आई है मेरी इसमें एक ही ऑर्गेनाइज़र में। और बाकी के इसमें मैंने लहंगा ये वो सारी चीज़ें रख दी है, तो आप देख लो यार। और मैं इसमें डालती जा रही हूँ और इसमें आ भी रहे हैं यार, मतलब काफ़ी सारी स्पेस मेरी वार्डरोब की बच गई है और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज भी लग रहा है इसकी वजह से। तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे का सौदा है ये, मतलब बहुत सस्ते में मैंने लिया है ये ऑर्गेनाइज़र, और ये 3 का सेट आया है। और इन साड़ियों को मैंने ब्लाउजेज और क्या बोलते हैं पेटीकोट के साथ रखा है, फिर भी इतनी सारी साड़ियाँ आ गई है। मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ कितनी साड़ियाँ आई है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 साड़ियाँ एक ही ऑर्गेनाइज़र में आ गई है और मेरी, और वो भी हेवी नई वाली साड़ियाँ, और उसमें भी उसके साथ पेटीकोट और ब्लाउज़ मैंने दोनों रखा है साड़ी के अंदर ही, ताकि मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े इसी वजह से। और इसकी एक बात मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, इसको ना आगे से सी थ्रू रखा गया है, इससे आपको पता चल जाता है कि इसमें साड़ियाँ कितनी हैं। अगर पूरा कपड़े का बनाया होता तो आपको पता नहीं चलता, और पूरा मतलब सी थ्रू बनाया होता तो इतना अच्छा नहीं लगता, वो उसमें से सारा कुछ दिखता है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे पास है एक, मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था, बट वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और आप देख लो अभी कितना ऑर्गेनाइज लग रहा है ये, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। अगर आपको परचेज़ करना है तो सारी चीज़ों का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो मैंने माही और अदवी के लिए टेबल लिए है स्टडी टेबल, उसका भी, और आगे जो ऑर्गेनाइज़र दिखाऊंगी उसका भी और इसका भी, सारी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दूंगी, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो इसे। अब बारी आई है इस ऑर्गेनाइज़र की, तो इसमें मैं काफ़ी सारा सामान अपना रखने वाली हूँ, मतलब छोटी मोटी चीज़ें भी और बाकी की चीज़ें, मतलब ज्वेलरी और मेरे बैंगल्स और सारी चीज़ें। और हाँ, बैंगल से याद आया, किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की है बैंगल कलेक्शन शेयर करने के लिए, अभी यहाँ पर आ ही गई हूँ तो बैंगल कलेक्शन भी आपके साथ शेयर करूँगी पक्का। तो अभी आप ये देख लो, इसमें मैंने 6 ऑर्डर किए थे, मतलब 6 का सेट है ये, ये एक बड़े साइज़ का, मीडियम साइज़ का और इससे छोटा साइज़ का, ये ऑर्गेनाइज़र है, और इसमें काफ़ी सारा सामान आपका आ जाएगा, काफ़ी ऑर्गेनाइज भी लगेगा आपका वार्डरोब इससे। मैं आपको आगे के चल के दिखा देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या रखा है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रिसीव हुआ है मुझे, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हो। और यहाँ पर इसके साथ ये मिला है, मतलब कार्डबोर्ड मिला है जो इसके नीचे आप डाल सकते हो, ताकि ये थोड़ा सा टाइट रहे
और आप इसमें इजीली सारा सामान रख सकते हो। तो ये है सारा, सारे ऑर्गेनाइज़र मेरे, और इसमें अभी मैं बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखने वाली हूँ। या आप इसमें इस तरह से नीचे डाल सकते हो, इससे बहुत अच्छे से टाइट ऑर्गेनाइज़र रहेगा आपका, और इससे कुछ सामान नीचे नहीं गिरेगा। या तो मतलब अच्छे से आप अपने वार्डरोब में इसे सेट कर सकते हो। और बस इसको ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी मैं अब, और इसके बाद मेरा वार्डरोब अभी सेट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी मेरा वार्डरोब, मतलब ऑर्गेनाइज लग रहा है। और इतना सारा सामान मैंने निकाल दिया था ना, इतने सारे मैंने चीज़ें निकाल दी थी ना बैग में से, कि मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखूँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन आ गया था, बट माही ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। यहाँ पर ये ना ऑर्गेनाइज़र कुछ इस तरह से है, ये सबसे बड़ा है वो, ये मीडियम साइज़ का है, और ये जो है छोटा सा, ये सबसे छोटा है। तो ये सारे ऑर्गेनाइज़र ऐसे लगा के मुझे माही ने दे दिए थे। इसके बाद मैंने इसमें सारा जो मतलब मेरे कपड़े थे या मेरे जो ज्वेलरी वगैरह थी या बैंगल्स वगैरह थे, वो मैंने सारे इसमें रख दिए थे और अच्छे से मेरे वार्डरोब में रख दिए थे। अभी मेरा वार्डरोब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज लग रहा है, जो पहले मेसी लग रहा था। और हाँ, आपको अगर ये ऑर्गेनाइज़र पसंद आते हैं तो इसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हो। मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बस यहाँ पर मैं सेट कर दूंगी अपना सारा सामान। और हाँ, वो रिनोवेशन वाले वर्कर्स भी आ गए थे, जैसे कि पेंटर वगैरह, मतलब बहुत सारा काम बाकी था ना हमारा दिवाली की वजह से, जल्दी जल्दी हम लोगों ने किया। फिर उधर अभी जाना था भाई की शादी में, तो इसी वजह से जो भी काम बचा था वो काम करने के लिए ये लोग आ गए थे। जैसे कि गेट बचा था मतलब पेंट करने का, तो गेट का भी पेंट आज कर देंगे। उसके बाद पाइप वगैरह बचे हैं, 2-3 दिन का काम उनका बचा है वैसे, तो वो करने के लिए आने वाले हैं वो 2-3 दिन अभी, तो वही चलेगा 2-3 दिन। तो चलिए अपना सारा मैं समेट लेती हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारा सामान मैंने निकाल दिया था, पूरी बैग्स मैंने ओपन कर ली थी और काफ़ी सारा सामान निकाल दिया था, इसी वजह से इतना टाइम लग गया इसमें ही। और उसके बाद मैंने खाना बनाया, खाना खाया और ये सारा मेस समेटा। तो आपको मैं मेस दिखाती हूँ एक बार। यहाँ पर ये बैंगल्स वगैरह रखी है, तो ये बैंगल्स इसमें रखी है। उसके बाद वो माही के इनर्स वगैरह उसमें रख रही हूँ। उसके बाद मैं अपने कपड़े रखूँगी, कुछ अद्विक के रखूँगी, मतलब ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ सारी चीज़ें। और यहाँ पर माही भी हेल्प कर रही है। और मेस देखो मेरे घर पर कितना ज़्यादा है, मतलब इसको देख के मुझे ना टेंशन आ गया था कि मैं क्या करूँ यार इसका। और अद्विक को जो बॉक्सेस मैंने निकाल के रखे थे, जो जलाने थे मुझे, और बॉक्सेस के साथ वो खेल रहा था, ऐसे ही खेलता है वो हमेशा, मतलब वो अपने ही धुन में रहता है। और उसके बाद यहाँ पर देखो, इस यहाँ पर भी वैसे ही मेस है। ये टीवी भी निकाल के रखी है, ये टीवी भी लगानी है। और उसके बाद वो ग्लास भी लगाना है, मतलब मिरर भी लगाना है उसका, अपना क्या बोलते हैं ड्रेसिंग टेबल का मिरर भी लगाना है। उसके बाद सामने वो LED भी लगानी है हमारी जो पुरानी वाली है वो। और यहाँ पर बस वही चल रहा है। उसके बाद मैं खाना खा लूँगी। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। खाने में क्या क्या बनाया है वो दिखा देती हूँ सबसे पहले आपको। तो खाने में बना है आज वो क्या बोलते हैं शिमला मिर्च, थोड़ा सा बेसन डाल के। उसके बाद ये चावल बना है, रोटी और दाल भी बनी थी, और कल रात की सब्जी भी थी, तो वो भी हम खा लेंगे। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अभी खाना खा लेती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना। और उसके साथ साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर देना। उसके बाजू में एक बेल आइकॉन आएगा, उसको दबाना मत भूलिएगा। उस पर ऑल पे क्लिक करोगे तो मेरे वीडियोज़ की सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाओगे। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।